घंटे की सीमा तय की थी, लेकिन लोगों ने इसके अलावा भी पटाखे छोड़े। दिल्ली एनसीआर, लखनऊ और उत्तराखंड की हवा में पटाखों की तेज आवाज के साथ ही जहरीला धुआं और राख भर गई और कई जगहों पर वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर स्तर तक पार कर गया। देखिए, दिल्ली में दिवाली जितनी रोशन थी, अगली सुबह उतना ही ज्यादा अंधेरा नजर आया। हालात दिवाली से पहले भी अच्छे नहीं थे, लेकिन दिवाली के बाद और खतरनाक हो गए। देश की राजधानी में दिवाली के अगले दिन भले ही सुबह पिछले साल जितनी जहरीली नहीं थी, लेकिन तब भी हवा में घुला जहर लोगों के लिए उतना ही खतरनाक था। सुबह की हवा बहुत स्वस्थ मानी जाती है, लेकिन दिल्ली में सड़कों पर निकलने वालों को मास्क लगाना पड़ रहा है। हवा में प्रदूषण के कणों की मात्रा इतनी ज्यादा है कि लोगों को आंखों में जलन तक महसूस हो रही है। दिवाली पर कम आतिशबाजी के बावजूद प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में हवा काफी जहरीली हो चुकी है। आज दो दिन से आज तो इतना ज्यादा होगा, हम रंगिंग करते थे डेली, लेकिन आज मुझे हिम्मत नहीं हो गई कि मैं रंगिंग कर सकूं। इतना ज्यादा प्रदूषण फैल गया, चलने में सांस फूल रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, धुंधला सा लग रहा है, कहीं ना कहीं आंखों में हमें जलन सी महसूस हो रही है। कल भी लोगों ने काफी क्रैकर्स यूज करे, जिसका भुगतान आज हमें सुबह लेना पड़ रहा है। हम तो मास्क पहनकर आए नहीं थे, तो स्पेशली इतना पॉल्यूशन मिला हमें, जिससे हमें मास्क खरीदना पड़ा। सारे जितने भी केमिकल्स है, सब जो पटाखों से निकले हैं, सारे एयर में है, जो फिर हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं। दिवाली के अगले दिन की सुबह अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, तो दिल्ली के कुछ हिस्सों में ये 735 के स्तर तक पहुंच गया, जो कि सीवियर कैटेगरी में आता है। लोधी रोड पर AQI 500 के पार था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 700 के पार, जो कि गंभीर स्थिति में आता है। अगर जीना चाहते हैं तो दिल्ली की हवा में सांस मत लीजिए, क्योंकि आंकड़ा यही बताता है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बता रहा है कि दिल्ली में PM2.5 का स्तर 463 पे पहुंच चुका है, जो सीवियर है। और इसी तरह से जो अलग अलग इलाके हैं, वहां पर PM2.5 का स्तर ऐसे ही बढ़ रहा है। और यहां पर मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की हालत दिखाऊंगी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप ये देखिए, PM2.5 का जो स्तर है ये 735 पर पहुंच चुका है। दिल्ली की जो आबोहवा है वो इसी तरह से खराब हो रही है, और यहाँ पर जो PM2.5 का लेवल है वो 500 है। तो आप ये सोचिए कि किस तरह से जो दिल्ली की आबोहवा है वो लगातार टॉक्सिक हो रही है, लगातार जहरीली हो रही है। दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर खराब होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पटाखों पर बैन लगा दिया था। दिल्ली में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है, जो 30% कम प्रदूषण फैलाते हैं। दिवाली पर लोगों ने कम पटाखे जलाए, फिर भी प्रदूषण का स्तर तय मानकों से बहुत ज्यादा है। दिवाली के ठीक पहले वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर के पार था, लेकिन दिवाली के बाद तो हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। इतना हवा के अंदर इतना मतलब पॉल्यूशन है कि सांस लेना दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है सांस लेना, इसलिए मुझे ये मास्क लगाना पड़ रहा है, और इससे थोड़ा सेफ्टी हो जाए मेरी, जो सांस लेने में दिक्कत ना हो। सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है हमें, सुबह बाइक से जाते हैं तो काफी दिक्कत होती है, ये एयर जो है काफी जहरीली हो चुकी है। बहुत जैसे खांसी बहुत जल्दी आ जाती है और स्नीजिंग होने लगती है काफी ज्यादा, तो उस वजह से तो इट्स रियली सैड कि यहाँ का एनवायरमेंट लोग इतना सोच नहीं रहे हैं, इतना सीरियस यहाँ की कंडीशन है, तब भी दिल्ली की स्पेशली। सड़कों पर कम गाड़ियां और फैक्ट्रियों के बंद होने के बाद भी हवा में बहुत ज्यादा प्रदूषण है, लोगों को घरों से निकलते ही सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कल हमारे पास लगभग जो एयर क्वालिटी थी थोड़ी बेटर थी, थोड़ी हमारी विंड स्पीड भी दिन के टाइम में काफ़ी तेज चली थी, लगभग 10 से 15 किलोमीटर की स्पीड चली थी, लेकिन शाम को फिर हमारे पास जो क्रैकर बर्स्ट हुए हैं उसके बाद जो है मॉर्निंग में उसका इफेक्ट हमें ज़्यादा रियलाइज हुआ है, और हैजार्डस लेवल तक हमारे पास एयर क्वालिटी गिर गई है। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर भी 700 के पार पहुंच गया। दिवाली के अगले दिन जब लोग उठे तो उनका सामना धुएं भरी सुबह से हुआ। विजिबिलिटी बेहद कम थी और लोगों को मास्क लगाकर ही बाहर निकलना पड़ रहा था। दिवाली पर प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने 3 दिन लेजर शो भी रखा था, ताकि लोग पटाखे कम जलाए, लेकिन तब भी दिल्ली की हवा में जहर का स्तर खतरनाक ही बना रहा। इससे पहले दिवाली से एक दिन पहले भी
दिल्ली और एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई थी। अब दिवाली के बाद इस प्रदूषण वाली इमरजेंसी से निपटने के लिए ऑडिविल दिल्ली में दोबारा लौट रहा है, जो इससे कुछ राहत तो दे सकता है, लेकिन उससे पहले दिल्ली वाले इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। रूफी जदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।